वेलकम टू डेली किचन। त्योहारों के इस खास मौके पर डेली किचन आपके लिए लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव पेशकश। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्फी की एक खासम खास रेसिपी जो बनने वाली है बिस्किट से और खोए से। ये है रेड वेलवेट ओरियो बर्फी। टेस्ट में इट इज़ डिलिशियस, देखने में इट इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि वाइट एंड रेड कलर लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर। ये बर्फी बहुत ही बढ़िया है, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और इस दिवाली पर घर में ज़रूर बनाइए रेड वेलवेट ओरियो बर्फी, क्योंकि ये आने वाली है सबको पसंद। इसका स्वाद है लाजवाब और बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स ओरियो बिस्किट और इनको मैंने इस तरह से क्रम्बल कर लिया है। मिक्सी में बनाएंगे इसका एक अच्छा सा चूरा। तो आइए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर तैयार हो चुका है ओरियो बिस्किट पाउडर और अब इसमें मिलाया जा रहा है गर्म पानी में डिसॉल्व जिलेटिन और कुछ बूंदें आमंड एसेंस की। इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और तैयार कर लीजिए एक रेड वेलवेट डो। रेड वेलवेट डो तैयार हो चुका है और कीजिए किसी कांच के बर्तन को ग्रीस और उसमें सेट कर दीजिए इस ओरियो डो को अच्छे तरीके से, हाथों की मदद से सेट कीजिए और इसके बाद इनको 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आइए रेडी करते हैं रेड वेलवेट ओरियो बर्फी की सेकेंड लेयर जो बन रही है खोए से। 150 ग्राम खोए को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है और इसमें डाल रही हूँ एसेंस, आमंड एसेंस की कुछ बूंदें, 2 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 5 ग्राम्स गर्म पानी में डिजॉल्व जिलेटिन और इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को एक साथ अच्छी तरह मिक्स कीजिए और फॉर्म कर लीजिए एक पेस्ट। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, कुछ भूनना नहीं है, वेरी इजी येट डिलिशियस। रेड वेलवेट डो पर आप खोए की इस लेयर को सेट कर दीजिए, चम्मच की मदद से इसको कर लीजिए एकदम फ्लैट और रख दीजिए फ्रिज में। 2 घंटे के बाद आपकी बर्फी एकदम सेट होके परफेक्ट आपके मोल्ड से बाहर निकल आएगी और ये देखिए, ये है आपके सामने। इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, कुछ भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, बहुत ही जल्दी 15 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको काट लीजिए पीसेस में और सर्व कीजिए दिवाली के इस खास मौके पर अपने मेहमानों को। इट इज़ सो डिलिशियस, क्योंकि वेलवेटी टेस्ट ओरियो बिस्किट्स का, खोए का ये बढ़िया सी बर्फी जो कॉम्बिनेशन है आपके बिस्किट्स के साथ, आमंड की खुशबू, मीठा, हल्का मीठा इसमें खोया है ये, इट इज़ वेरी वेरी डिलिशियस। आप बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। त्योहारों का मज़ा सिर्फ बाज़ार से ख़रीदारी करके परोसने में नहीं है, घर में प्यार से मोहब्बत से आप जब कुछ बनाएंगे और वो भी इतनी जल्दी तैयार होने वाला, तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा और आपकी होगी तारीफ। आई होप यू लाइक द रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कीजिए मुझे लाइक, डेली किचन को सब्सक्राइब। सीजन्स ग्रीटिंग्स और जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।